हेलो नमस्कार। संगीतांजलि म्यूजिक स्कूल में आप सबका स्वागत है। मैं अजय झा। आज मैं आपको नागिन धुन सिखाने जा रहा हूँ। बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया है नागिन धुन सिखाने के लिए, तो उसमें मेरा मन डोले मेरा तन डोले रे, वो गाना जो है मन डोले तन डोले, वो उसी गाने को मैं आपको बता रहा हूँ और उसके धुन को बता रहा हूँ, तो आप उसका आनंद ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको उसके सारे टिप्स मैं दे सकूँ। तो आइए शुरू करते हैं। सी शार्प से मैं उसे बजाने जा रहा हूँ। इसमें कोमल ग कोमल नी लगता है मेन, और उसके बाद उसमें यूज़ किया गया है कोमल ध भी यूज़ किया गया है, शुद्ध ग भी यूज़ किया गया है, तो आप उसे मिक्स कह सकते हैं। वैसे काफ़ी राग का स्वरूप ग और नी कोमल से है, लेकिन थोड़ा बहुत उसमें कोमल नी भी सॉरी कोमल ध भी यूज़ है और शुद्ध ग भी यूज़ है, तो उसे मिक्स कर दिया गया है। तो आइए सुनते हैं। तो ये सी शार्प से है, यहाँ से शुरू करते हैं और मैं आपको नोटेशन बताऊंगा। आप नोटेशन पूरा लिख लें पहले, एक एक पीस मैं पहले आपको बताता हूँ, क्योंकि इसमें जो म्यूजिक है वो मेन है। ये कोई भजन नहीं है जो शब्द मायने रखता है, इसमें धुन मायने रखता है, क्योंकि जब हम नागिन धुन बजाते हैं तो उसमें म्यूजिक जो है वही सबसे ज्यादा मायने रखता है, तो इसीलिए मैं उसी को ध्यान में रख करके आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें एक ट्रिक और मैं बताता हूँ आपको। जब आप हारमोनियम बजाते हैं तो हारमोनियम में एक स्टॉपर होता है, जो बेस नोट होता है, जो हारमोनियम के इधर शुरू में आप देखेंगे नॉब्स होते हैं छोटे छोटे, तो उसमें जो छोटा नॉब होता है वो बेस नोट्स होता है, उसे अगर आप खोलते हैं तो उसमें से आवाज आती है अपने से बेलो करने से, खाली बिना कीज बजाए। जैसे इसको देखिए, ये आवाज आ रही है ना, तो ये है सी शार्प का बेस नोट, तो वो आप अगर कीज नहीं भी बजा रहे हैं फिर भी वो आवाज आ रही है। तो चूंकि बीन का जो एक स्टाइल होता है, बीन की जो आवाज होती है, उसमें अगर आप ये बेस नोट खोल करके फिर आप अगर बजाते हैं तो इसमें और अधिक प्रभाव आता है, जो बीन का जो अफेक्ट होता है वो आता है। और फिर हारमोनियम बजाने में भी इसमें एक टेक्निक है कि जब आप एक स्वर ले रहे होते हैं तो दूसरे स्वर पर हल्का हल्का टच होता रहता है फिंगर, तो आपको मैं वो भी बताऊंगा कैसे होता है वो, तो आप कोशिश करेंगे उसको करने का। ठीक है, तो सबसे पहले आइए, सबसे पहला म्यूजिक आप इसे सीख लीजिए। इसमें है रे सा ग सा रे नी सा नी, नी कोमल है इधर तो बजेगा रे सा ग सा रे नी सा नी, रे सा ग सा रे नी सा, और दूसरे बार सा पर रुक सकते हैं आप। तो ये कंटिन्यूअस 4 बार 8 बार बजा हुआ है, तो आप इसे बजा सकते हैं इस तरह से। ठीक है, दूसरा म्यूजिक जो है वो है रे गा पा धा पा धा पा धा पा, 3 बार धा पा। ठीक है, रे गा पा धा पा धा पा धा पा, रे गा मा पा गा रे सा, रे गा पा धा धा पा 3 बार, फिर रे गा मा गा रे सा, पा मा 2 बार है, पा मा गा रे सा, और फिर वही म्यूजिक शुरू होगा। अब ये दोनों म्यूजिक को मैं आपको बजा के सुना रहा हूं, जरा ध्यान से देखें। Thank you.
बाद का म्यूजिक जो हम पैराग्राफ शुरू करते हैं उससे पहले जो मन डोले मेरा तन डोले से पहले एक म्यूजिक और है उसे आप समझ लें, वो है पापा मागा, दो बार पापा मागा, पापा मागा, धा धा पा मा, धा धा पा मा, नी नी धा पा, नी नी धा पा, सा नी धा पा, नी धा पा मा, धा पा मा, गा पा मा, गा रे मा, गा रे सा, गा रे सा नी सा। फिर से आप नोट करें इसे, पापा मागा, पापा मागा दो बार, धा धा पा मा दो बार, नी नी धा पा दो बार, फिर डबल स्पीड में चलेगा सानी धापा, सानी धापा, सानी धापा, नी धापा मा, सानी धापा, नी धापा मा, धापा मागा, पामा गारे, मा गारे सा, गारे सानी सा, गारे सानी सा। यहाँ पर शुद्ध नी यूज हुआ है मेरे ख्याल से, गारे सानी सा। और उसके बाद फिर जुड़ जाएगा पहले वाले म्यूजिक से, ठीक है। तो अब दूसरे म्यूजिक को एक बार फिर से सुनिए पूरी तरह, अब यहां से शुरू होगा मन डोले मेरा, गौर करिए, मन डोले, रे मा मागा, डोले मेरा तन डोले मेरा, दिल का मेरे तन तन डोले मेरे, दिल का गया करार रे, करार सारे रे 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 सा सा नी धा, नी कोमल है और धा शुद्ध है, लोअर नी लोअर धा, ठीक है। मन डोले मन, दो मात्रा, मन डोले मेरा तन डोले मेरे, दिल का गया करार रे, ठीक है। कौन कौन धा सा सा सा, कौन बजाए रे रे गा गा, कौन बजाए बांसुरिया। अब इसे पूरी तरह मैं सुनाता हूं, मन डोले मेरे तन डोले मेरे, दिल का गया करार रे, कौन बजाए बांसुरिया, ठीक है। अब इसे बजाने के बाद फिर वही म्यूजिक शुरू हो जाता है, ठीक है। अब इसके आगे जो म्यूजिक है वो है, जब आप मंडोले गाते हैं ना उसके बाद लास्ट में, मंडोले मेरा तंडोले मेरे, दिल
का गया करार रे, कौन बजाए बांसुरिया। अब ये नोट्स आप लिख ले, रे धा रे धा सा रे धा सा रे मा गा। यहां पर शुद्ध ग प्रयोग है, आप देखें ध्यान से, रे धा सा रे मा गा सा रे मा गा। दो बार सारे मा गा सारे मा गा, फिर सारे गे गे सा। दो पार्ट में आप इसे याद कर लें, रे ध सा रे मा गा सारे मा गा। एक पार्ट ये दो बार सारे मा गा है उसमें, और दूसरे पार्ट में सारे गे, यहां कोमल ग है, सारे गे गे सा। और इस म्यूजिक को दो बार बजाएंगे। अब देखिए मैं इसे अच्छी तरह बजाता हूं, करार रे कौन बजाए बांसुरिया। अब अंतरा शुरू करेंगे और वो इस तरह है, मधुर मधुर सपनों में देखे मैंने राह नवेली। अब इसके नोट्स को आप समझ लें, मधुर पा 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 मधु मधुर धा धा सा सपनों सा सात नी नी सपनों में धापा देखे धा धा नी नी मैंने फिर धा नी नी राह धापा नी नवेली। अब इसे पूरी तरह इस तरह बजाएंगे, मधुर मधुर सपनों में देखे मैंने राह नवेली। इसके बाद एक म्यूजिक है यहां, और वो है पापा धनी सानी पापा धनी सानी धा पापा धनी सानी धनी धा मानी धापा। तो इसे अच्छी तरह याद कर लें, पापा धनी सा नी धा नी धा पा धा पा मा नी धा पा। ठीक है, अब उसके बाद फिर आप गाते हैं मधुर मधुर, मधुर मधुर सपनों में देखे मैंने राह नवेली। अब यहां एक छोटा सा फिलर आता है दूसरी पंक्ति से पहले, वो है धारे सारे निशा धनी छोड़ चली। तो इसको भी याद कर ले, धारे सारे निशा धनी छोड़ चली मैं छोड़ चली मैं लाज का पहरा जाने कहां अकेली चली मैं जाने। यहां गौर करें, यहां पर बहुत ही अच्छा धुन आया है, छोड़ चली मैं लाज का पहरा जाने कहां अकेली
चली मैं जान शुद्ध गा जाने कहां रे सा ग कोमल गा कहां अकेली ठीक है। और इसके बाद भी एक म्यूजिक आता है और वो म्यूजिक इस तरह से हम बजाएंगे सा नी धा पा मा ग रे सा। तो छोड़ चली जब गाते हैं छोड़ चली मैं लाज का पहरा जाने कहां अकेली चली मैं जाने कहां अकेली। रस घोले फिर मन डोले जैसे हम गाते हैं ठीक उसी तरह इस पंक्ति को गाएंगे रस घोले धुन मोह बोले जैसे ठंडी पड़े फुहार रे कौन बजाए बांसुरिया। और फिर म्यूजिक ठीक है फिर से एक बार देख लो सानी धा पामा गरे सा रस घोले धुन मोह बोले जैसे ठंडी पड़े फुहार रे कौन बजाए बांसुरिया। फिर वही म्यूजिक वहां से मंडोले मेरा तंडोले मेरे दिल का गया करार रे कौन बजाए बांसुरिया ठीक है। और इसके बाद फिर वही म्यूजिक बजाएंगे जो हम पैराग्राफ शुरू करने से बजाए थे अंतरा का जो हम शुरू किए थे मधुर मधुर उससे पहले एक म्यूजिक जो मैं आपको बताया वही म्यूजिक फिर बजेगा वो है ये रे धा सारे मागा सारे मागा सारे गरे गरे सा रे धा सारे मागा सारे मागा सारे गरे गरे सा। अब चलेगा दूसरे अंतरे को हम गाएंगे कदम कदम पर और ये बिल्कुल उसी तरह ट्यून है जैसे मधुर मधुर हम गाए पहले पैराग्राफ को कदम कदम पर रंग सुनहरा ये किसने बिखराया नागन का मन बस करने को नागन का मन बस करने ये कौन सपेरा आया। एक बार फिर से देखें नागन का मन बस करने ये कौन सपेरा आया। यहां पर वश है मैं बस बोले जा रहा हूं नागन का मन वश करने ये कौन सपेरा आया न जाने जिस तरह से पहले पैराग्राफ में पहले अंतरे में किए थे न जाने कौन सपेरा आया। और फिर दूसरी लाइन यहां से शुरू करेंगे पग डोले दिल यूं बोले तेरा लेके होके रहा शिकार रे कौन बजाए बांसुरिया। ये हो गया पूरे स्थाई और अंतरे का म्यूजिक। एक बार मैं इसे म्यूजिक के साथ थोड़ा सा बजा देता हूं
चूंकि मुझे शब्द याद नहीं है, मुझे बीच बीच में शब्द को देखना पड़ता है, तो मैं ध्यान उधर चला जाता है मेरा। तो इस तरह से ये शुरू होगा। और देखिए एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, जब हम कोई भी नोट्स को बजाते हैं तो देखिए ये दूसरे फिंगर से, दूसरे उंगली से जो है ना, हम किसी दूसरे नोट को हिट करते रहते हैं, तो वो एक बीन बजने का जो है एक प्रभाव डालता है। उसे देखें, ध्यान से देखें। अब दूसरे म्यूजिक को यहां से बजाएंगे। अच्छा, अब जो है मैं आपको एक बार सभी म्यूजिक के साथ रुक रुक करके ही पूरे धुन को गा देता हूं, ताकि आप समझ पाएंगे किस तरह से उसे गाना है। यहां से शुरू करते हैं।
दिल का गया करार रे, कौन बजाए बांसुरिया। मन डोले मेरा, तन डोले मेरा, दिल का गया करार रे, कौन बजाए बांसुरिया। मधुर मधुर सपनों में देखे मैंने राह नवेली, मधुर मधुर सपनों में देखे मैंने राह नवेली। मधुर मधुर सपनों में देखे मैंने राह नवेले। छोड़ चली मैं लाज का पहरा, जाने कहाँ अकेले, चली मैं जाने कहाँ अकेले। रस घोले मुँह धुन बोले जैसे ठंडे पड़े फुहार रे, कौन बजाए बांसुरिया। कदम कदम पर रंग सुनहरा, ये किसने बिखराया। नागन का मन वश करने ये कौन सपेरा आया, न जाने कौन सपेरा आया। पग डोले दिल यूं बोले, तेरा होके रहा शिकार रे, कौन बजाए बांसुरिया। मन डोले मेरा, तन डोले मेरे, दिल का गया करार रे, कौन बजाए बांसुरिया। और लास्ट में इसे थोड़ा तेज कर देंगे।
और इस तरह से ये नागिन धुन बजता है। तो आप इसे बहुत ही आराम से धीरे धीरे एक एक पंक्ति को याद करें। मैं ये जरूर बताता हूं, हर वीडियो में बताता हूं कि आप एक एक पंक्ति को पूरी तरह तैयार कर लें और उसके बाद ही आप आगे बढ़ें, दूसरी पंक्ति को करें। ऐसा नहीं कि जैसे इस वीडियो में पूरे गाने को बताया गया है तो आप एक एक लाइन को एकदम करते चले जाएं साथ के साथ, तो आप परफेक्शन नहीं ला पाएंगे और आप बहुत गलतियां करेंगे उसमें। इसलिए एक पंक्ति में एक म्यूजिक को जो मैं नोटेशन बताया हूं आपको, वो नोटेशन लिख लें और फिर उसे बजाने की कोशिश करें और देखें कि सही बज रहा है या नहीं। अगर आप सुनेंगे खुद भी आप सोच सकेंगे थोड़ा कि वो सही बज रहा है या नहीं, और नहीं तो बाद में वीडियो में देख करके उसे देखा जा सकता है कि एग्जैक्टली उसी तरह बजा रहे हैं जैसे मैं बताया हूं या नहीं। ठीक है, तो इसे आप बजाएं और अच्छा से प्रैक्टिस करें और म्यूजिक का आनंद लें। ठीक है, फिर मैं दूसरे वीडियो में आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।